सभी मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोस YouTube पर सबसे पहले पाएं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। वो एक आदर्श शिक्षक, महान दार्शनिक और हिंदू विचारक थे। उनके श्रेष्ठ गुणों के कारण भारत सरकार ने सन 1954 में उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। वह यह पुरस्कार पाने वाले देश के पहले व्यक्ति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पुरखे सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे, इसलिए राधाकृष्णन के परिवार के सभी लोग अपने नामों के आगे सर्वपल्ली उपनाम लगाते थे। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरस्वामी और माता का नाम सीतम्मा था। राधाकृष्णन जी के 4 भाई और 1 बहन थी। राधाकृष्णन बचपन से ही मेधावी छात्र थे। उनको क्रिश्चियन मिशनरी संस्थान लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में 1896 से 1900 के मध्य पढ़ने के लिए भेजा गया। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से उन्होंने स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। स्नातक की परीक्षा 1904 में कला वर्ग में प्रथम श्रेणी में उन्होंने पास किया। मनोविज्ञान, इतिहास और गणित विषय में विशेष योग्यता प्राप्त की। उन्होंने बाइबल का भी अध्ययन किया। क्रिश्चियन कॉलेज में उनको छात्रवृत्ति मिली। 1916 में राधाकृष्ण ने दर्शन शास्त्र में एमए किया और मद्रास रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक पद पर नौकरी पा ली। अपने लेखों के द्वारा पूरी दुनिया को भारतीय दर्शन शास्त्र से उन्होंने परिचित करवाया। उस जमाने में कम उम्र में शादियां होती थी। 1903 में 16 वर्ष की कम आयु में ही उनका विवाह शिवाकामू से हो गया। उस समय उनकी पत्नी की आयु मात्र 10 वर्ष की थी। उनको तेलुगु भाषा का अच्छा ज्ञान था, वह अंग्रेजी भाषा भी जानती थी। 1908 में राधाकृष्णन दंपति को एक पुत्री का जन्म हुआ। 1947 में अपने ज्ञान और प्रतिभा के कारण डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को संविधान निर्माता सभा का सदस्य बनाया गया। उनको अनेक विश्वविद्यालय का चेयरमैन बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू 14-15 अगस्त की रात्रि 12 बजे आज़ादी की घोषणा करने वाले थे, पर इसकी जानकारी सिर्फ राधाकृष्णन जी को ही थी। वे एक गैर पारंपरिक राजनयिक थे। जो मीटिंग देर रात तक चलती थी उसमें डॉक्टर राधाकृष्णन जी रात 10 बजे तक ही हिस्सा लेते थे, क्योंकि उनके सोने का वक्त हो जाता था।
1952 में सोवियत संघ बनने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन जी को संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का एक नया पद सृजित करके उपराष्ट्रपति बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको यह पद देकर सभी को चौंका दिया। सभी लोग सोच रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता उपराष्ट्रपति बनेगा। सभी लोगों को उनके कार्य को लेकर संशय था, पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने कुशलतापूर्वक अपना कार्य किया। संसद में सभी सदस्यों ने उनके काम की सराहना की। उनके विनोदी स्वभाव के कारण लोग आज भी उनको याद करते हैं। दार्शनिक, विचारक और पूर्व राष्ट्रपति, इन्होंने अपने जन्म को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने को और उसको मनाया और शिक्षक समुदाय को सम्मानित करने की एक प्रक्रिया चाहिए। और सभी कुछ तो हमारी बहन जी कह चुकी है, हम सिर्फ मीनाक्षी जी को बनो देश की गौरव गरिमा, बनो देश की गौरव गरिमा, ये शुभकामना हमारी है। अपने पथ पर बढ़ती जाओ, ये शुभकामना। और आपने इस जनपद राय बरेली के नाम को पूरे प्रदेश में गौरवान्वित किया, इसके लिए हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ देते हैं और सदैव आप अपने पद पर बढ़ती जाए। और इस अवसर पर हम अपने श्रद्धेय श्री राधा कृष्णन जी को एक बार फिर नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। कॉम्प्रोमाइज ना करने की शिक्षा दी, जो मैंने जीवन भर अभी तक कोशिश की है कि उसका पालन करूँ। और उसके बाद मैं नमन करती हूँ अपने गुरुओं को, अपने टीचर्स को, जिन्होंने मुझे मेरे चरित्र निर्माण में जो कुछ भी मुझे सिखाया है वो मैंने सीखा है और आगे अभी तक पालन उसका करने की कोशिश की है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से की है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने कोशिश की है और आगे भी करूँगी। तो आज का दिन शिक्षकों को समर्पित है। आप सभी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि शिक्षक होना एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। टीचिंग आपका पेशा नहीं, आपका पैशन होना चाहिए। आपको मैं बताऊं कि मुझे 7 साल हो गए हैं लेक्चरर, 7 साल पहले मैं थी, लेकिन जब मेरे पास फ़ोन आया निदेशालय से कि मैम आपको पढ़ाना है, तो मैंने खुशी खुशी उसको इसलिए स्वीकार किया कि आज भी मैं टीचिंग करना चाहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है टीचिंग करना, बच्चों से जुड़ना मुझे अच्छा लगता है। जब मेरे बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं, मुझसे मिलते हैं या मुझे कहीं मिलते हैं और पैर छूते हैं, बता रहे हैं। और टीचर के लिए शायद सबसे गौरव और सम्मान का पल वही होता है जब उसके पढ़ाए हुए जो बच्चे होते हैं वो उससे भी बढ़कर बन जाते हैं। टीचर को ये नहीं महसूस होता है कि ये मेरे से बढ़कर बन गए या मुझसे बेहतर बन गए, बल्कि टीचर का गौरव इसी में है कि उसके पढ़ाए हुए बच्चे उससे भी बेहतर बने। यही शिक्षक की चाह होती है और यही मेरी भी चाह है। लेकिन मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आज के बदलते समय के अनुसार टीचर्स को बदलना होगा। अगर आज हम बच्चों से जुड़ने का माध्यम क्या है, क्योंकि आज कोविड के कारण हम बच्चों से डायरेक्ट नहीं मिल सकते, वो हमारे क्लास में नहीं आ सकते, हम उनका सामना नहीं कर सकते। तो एक यही माध्यम है कि हम वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से, ई लर्निंग के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हम अपने बच्चों से जुड़ें। और अगर हमने ये रास्ता नहीं अपनाया तो हमारे बच्चे कहीं पीछे रह जाएंगे और हम अपने ज्ञान को, अपनी टीचिंग को अपने बच्चों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर हम अपने अगर हम ये चाहते हैं कि वास्तव में बच्चे हमारे हमसे जुड़े, तो निश्चित तौर पर हमें ई लर्निंग या वर्चुअल क्लासेस को प्रोत्साहन देना ही होगा, जैसे कि हमारी राज्य सरकार दे रही है। और आपको बताऊँ, ये जो वीडियोस आ रहे हैं ये बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत छुपी हुई है। आपको एक वीडियो दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत छुपी हुई है ये भी आप समझने की कोशिश करिए। क्योंकि जब भी आप क्लास में जाते हैं, अमूमन क्या होता है, आप जो प्लान बनाते हैं बीएड तक, तो आप प्लान बनाते हैं, बट आफ्टर दैट जब आपकी रूटीन हो जाती है टीचिंग करने की, तब आप उसके बाद विदाउट एनी प्लानिंग क्लास में चले जाते हैं, तो हमारी जो टीचिंग का इम्पैक्ट आना चाहिए वो नहीं आ पाता। जैसे हमें पढ़ाना चाहिए वैसे हम नहीं पढ़ा पाते,
लेकिन इन वर्चुअल क्लासेस में अगर आप इन वीडियोस को देखें तो एक टीचर को जैसे पढ़ाना चाहिए, एक आइडियल क्लास जो होनी चाहिए वही आपको दिखाई देगी, क्योंकि इसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनता है। प्रेजेंटेशन बनने के बाद चेक होता है, उसके बाद राज्य स्तरीय टीम इसको चेक करती है, फिर इसके वीडियोस बनते हैं, फिर राज्य स्तरीय टीम वीडियोस को भी चेक करती है और इसमें जो कमियां होती हैं वो राज्य स्तर पर ही ठीक की जाती हैं, उसके बाद ये एनसीईआरटी को भेजी जाती हैं और एनसीईआरटी से अगर कोई रिकमेंडेशंस या मॉडिफिकेशंस आते हैं तो उनको भी ठीक किया जाता है। तो ये जो वीडियोज़ हैं बहुत मेहनत के बाद बने हैं, तो इनको हम सभी की ये दायित्व बन जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन वीडियोस को देखें, तभी इसकी सार्थकता है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जो भी बच्चे आपके संपर्क में आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एनकरेज करिए, उनको मोटिवेट करिए कि ई क्लासेस को ज़रूर या वर्चुअल क्लासेस को ज़रूर वो अटेंड करेंगे, उनके फ़ायदे करेंगे। थैंक यू। मैं यहाँ उपस्थित जन समुदाय के साथ विशेष रूप से अपने शिक्षकों के कदमों में नमन करता हूं और इस पावन पर्व पर अपनी अनंत शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस पुनीत पर्व पर COVID-19 की चुनौतीपूर्ण जो स्थिति है उसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग ने और विशेष रूप से अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन माध्यमिक शिक्षा की जो आराधना शुक्ला मैडम हैं उनके संरक्षण सतत अभिनव प्रयोग, शिक्षा निदेशक श्री विनय कुमार पांडे जी के पवित्र संरक्षण में वर्चुअल स्कूल के कॉन्सेप्ट के माध्यम से ई ज्ञान गंगा को अपने साथ जोड़ करके जिस चुनौतीपूर्ण स्थिति में क्रांतिकारी कदम उठाने का बीड़ा हम सभी लोगों ने पूरे प्रदेश में उठाया है वो हमारे शिक्षकों के गुरुत्व, उनके समर्पण, त्याग और निष्ठा के बिना संभव नहीं था। निश्चित रूप से हर व्यक्ति की क्षमता, परिवेशगत उपलब्धि, जीवन में ऊंचाइयों को पाना और कभी कभी ऊंचाइयों से किन्हीं कारणवश विचलित हो जाना, ये मानव का स्वभाव है, प्रकृति का नियम भी यही है। हमारे यहाँ जनपद रायबरेली जब रात में ये सूचना प्रसारित हुई, शासन सूचना निदेशालय के माध्यम से आई, तो मैंने मंडल वालों को देखा, अलीगढ़ शुरू हुआ, आगरा जो भी था, लखनऊ भी शुरू था, मैंने रायबरेली को नहीं देखा। मुझे बेहद पीड़ा और वेदना है कि प्रथम चरण में जब अपनी शैशवावस्था में ई लर्निंग कॉन्सेप्ट प्रदेश में उभर रहा था, कदम बढ़ा रहा था, उस समय ही रायबरेली जैसे गौरवपूर्ण जनपद की हमारे लिए सम्मानित मीनाक्षी त्रिपाठी जी का वीडियो सेलेक्ट हो गया था। और जैसा अभी इन्होंने कहा, तीन चरणों में बहुत कठिन परिश्रम के बाद दिल्ली के एनसीईआरटी के जितने एक्सपर्ट्स होते हैं उनके सामने उसका प्रेजेंटेशन हो, उनकी कमियों को इंगित किया जाए, और सबसे बड़ी बात एनसीईआरटी की है कि वो निगेटिव थिंकिंग नहीं रखता, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको करेक्टिव व्यूज देता है कि आप इसको इस तरह से कर लें तो अप टू मार्क आपका वीडियो या आपका प्रेजेंटेशन या आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। मैं तो उतना दक्ष नहीं हूँ, शिक्षक भी आज की तारीख में नहीं हूँ, लेकिन शिक्षा विभाग से जुड़ा हूँ तो कोशिश करता हूँ कि मैं भी शिक्षक की गरिमा और उसके व्यक्तित्व की जो गहराई के थोड़े बहुत ज्ञान के चरण हैं कुछ मैं सीख सकूँ। क्योंकि प्रथम चरण में मीनाक्षी जी ने जनपद को गौरवान्वित किया था, लेकिन संयोग ये था कि बार बार ये स्टेट लेवल की जो कमेटी थी उसमें जुड़ जाती थी और रायबरेली जीरो की स्थिति में था, कहीं रायबरेली का नाम न वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा जाता था और ना वैसे सूची में, क्योंकि प्रदेश में इनकी पकड़ थी वहाँ ये जुड़ गई। दूसरे चरण में हमारे लिए एक गौरवपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में यहाँ गांधी इंटर कॉलेज बछरावा के गिरजेश मल्ल जी बैठे हैं, आपके भी 7-8 वीडियोज एनसीईआरटी से द्वितीय चरण में स्वीकार हो चुके हैं,
अनुमोदित हो चुके हैं और शीघ्र ही आप ही पठन पाठन का जो गौरवपूर्ण इतिहास रायबरेली के लिए है वो प्रदेश के बच्चों के साथ शिक्षकों के साथ जुड़ेगा। मैं मल्ल जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि प्रथम चरण के लिए नहीं थे, स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं आ पाया है। मैं इनको अपने स्तर से सर्टिफिकेट दे करके सम्मानित करूँगा। यहाँ जितने शिक्षक बैठे हैं, मैं सारे शिक्षकों का सम्मान करता हूँ। अभी मैंने जैसा कहा कि जो समानता का सिद्धांत है वो तो प्रकृति में ही नहीं, प्रकृति में जो विषमता है उसी विषमता को समन्वय की संस्कृति से जोड़ने के लिए